दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल फिनवेस्ट. उम्मीद है आप सभी की ट्रेडिंग स्किल्स जा रहे होंगे. अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए सही स्टॉक चुनने में. ओके, आइए हम बात करेंगे निफ्टी की. कल जैसा हमने अंदाजा लगाया था, हमारी दो कंडीशन थी, दोनों की दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है. सबसे पहली कंडीशन हमने आपको क्या बताई थी, अगर आपने वो कंडीशन नहीं बढ़ी तो आई बटन पे क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें चेक कर लीजिएगा निफ्टी के लिए मैंने कल क्या प्रिडिक्ट किया था. सबसे पहले हमने कहा था कि देखिए निफ्टी जो है होल्ड लेने वाला है, क्योंकि निफ्टी आगे नहीं बढ़ने वाला है अभी, क्योंकि 15,000 अभी इसने क्रॉस किया है. फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे पहले मैंने आपको वेव के फॉर्म में बताया था कि ये ऐसे चलने वाला है. सेम कंडीशन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे वेव के फॉर्म में ही चल रहा है. दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये डाउन आएगा, डाउन आने के बाद अप आ सकता है जब ये क्रॉस ना करे लेवल 15,100 का. 15,100 का लेवल अपना क्रॉस ना करे, प्रीवियस जितना क्लोज था उसी पे ये आ चुका है. जैसे कि कल क्लोज हुआ था निफ्टी चार्ट के अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से ये आज भी उसी लाइन पे अप्रॉक्स आ चुका है. तो आगे क्या होने वाला है, आगे हम क्या समझ के चले, देखिए रेड जो कैंडल है वो बहुत सारी बन रही है, इसमें ये चल रहा है लगभग लगभग आपका आधे घंटे से जो है रेड कैंडल ही बना रहा है. ये स्टॉक डाउन की तरफ शो हो रहा है, हल्का सा लास्ट में इसने ग्रीन कैंडल दिया. अब यहाँ से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक कंडीशन ये हो सकती है कि हल्की सी ग्रीन कैंडल आए तो ये हल्का सा ऊपर जाके फिर से ये डाउन आके ये वेव की फॉर्म में चलने लगे. दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये कल जो है गैप अप ओपन होके ऊपर ही बढ़ जाए. और तीसरी पॉसिबल कंडीशन क्या दिख रही है, देखिए कंडीशंस तो बहुत सारी हो सकती है. हर कंडीशन जैसे अगर गैप अप ओपन होगा ऊपर बढ़ने लगा तो आपको पता होगा कि अब मैं बाय कर लूँगा, तो तीन चार कंडीशन बनती है. तो उन कंडीशन के मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस तो इसके होल्ड लेने के हैं, क्योंकि एक दो दिन होल्ड लेने के बाद ही ये बढ़ेगा या घटेगा. इसने कोई भी गैप ज़्यादा बड़ा गैप शो नहीं किया है, तो अभी चांसेस इसके होल्ड लेने के हैं. दूसरी चीज़ ये है कि ये बियरिशली डाउन आ सकता है, और अगर इसने 15,100 का लेवल क्रॉस किया या फिर ये इतना नीचे ओपन हुआ कि ये सीधा क्रॉस कर दे तो हो सकता है यहाँ से आपको एक बियरिश पैटर्न देखने को मिले और सारे स्टॉक्स जो हैं डाउन की तरफ बढ़ने लगे. जो तो प्रीवियसली आपको याद होगा मैंने आपको दो स्टॉक्स जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड किए थे और दो स्टॉक्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे कहा था प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैंने मॉर्निंग पे करे थे. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा. PVR की हम बात करें, PVR मैंने शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था. ये स्टॉक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया था, मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था 1245 पे. 1245 से इसने देखिए एक बार तो अपना टारगेट अचीव किया, ये नीचे आया 1238 तक, उसके बाद ये ऊपर गया, इसने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया. और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार अगर आप ट्रेड में एंटर हो चुके होंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, या तो स्टॉप लॉस पे बाहर आना है या फिर आपके टारगेट पे. यहाँ पे आप बाहर नहीं आए होंगे तो आप इस स्टॉक में एक बार फंस के रह गए होंगे, क्योंकि ये जो है इसी लाइन पे अप एंड डाउन करता रहा. 56 इसने अपना हाई बनाया, इसको अपना फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद 56 इसने हाई बनाया और लो बनाया 42 का. तो आप लगा सकते हैं आपने यहीं पे ये स्टॉक जो है ऊपर डाउन करते रह गया है तो आपका शिफ्ट नहीं किया होगा. अगला था हमारा पॉलीमेट, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका लेवल मिल जाएगा. पॉलीमेडिकल्स हमने आपको बाय करने के लिए बोला था, देखिए पहले तो मेरा लेवल कुछ और था बट गैप ओपन होने के बाद मैंने इसका लेवल तुरंत चेंज कर दिया था. अगर आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे 1155 का इसका बाइंग का लेवल था और 1160 का इसका फर्स्ट टारगेट प्राइस था. इसने अपना जो हाई बनाया है वो बनाया है 1165 तक का, तो आपको ईजिली इसमें बाई साइड का एक टारगेट प्राइस अचीव होकर मिल गया था. स्टॉप लॉस शिफ्ट करने से यही फायदा होता है, अगर आपका स्टॉक है वो अपोजिट साइड की मूवमेंट देने वाला होगा तो भी आपको कुछ लॉस नहीं होगा. और आपको पता, अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट कब ट्रेंड चेंज कर रहा है तो भी आपको कोई भी लगभग लगभग 100 पॉइंट से आपको शॉर्ट सेलिंग की साइड देके चले गया. आज इसको हमने शॉर्ट सेल करने के लिए था 1138 पे. आपको लेवल ये लेवल भी तुरंत आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. 38 पे मैंने इसे शॉर्ट करने के लिए बोला था, ये 38 का लेवल जब एक्टिवेट हुआ ये सीधा रुका हमारा 66 पे, 1066 पे, 1138 से 1066, तो अच्छा खासा आपको देखने को मिल गया था. बाकी हैवल्स मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था, आपको याद होगा यूट्यूब वीडियो में मैंने इसे प्रोवाइड किया था. तो इसका हमारा शॉर्ट का लेवल था 1090 का, इसका हमारा शॉर्ट का लेवल था 1019 का और इसका स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी बड़ा था. तो ये स्टॉप लॉस तो इसने हिट नहीं किया, फिर से ये फ्लैट मार्केट पे चलने लगा और फ्लैट मार्केट पे चलने के बाद भी इसने एट द एंड में अभी जब मार्केट क्लोज होने वाला है तो इसने अपना जो है फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव कर लिया, यानी कि इसका जो टारगेट प्राइस था 1014 का वही ये अचीव कर पाया. आजकल मार्केट में हो रहा है कभी कभार स्टॉक अच्छे चल रहे कभी नहीं चल रहे.
आखिरी स्टॉक था हमारा SBI कार्ड। SBI कार्ड याद होगा मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था 1075 पे, और इसने अपना अभी हाई चल रहा है 1099, मान के चले 1100 पे ये पहुंचने वाला है। तो इजीली इसने हमारे तीनों टारगेट प्राइस अचीव कर दिए हैं। तो ये थे कुछ स्टॉक जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे यूट्यूब और टेलीग्राम में। Few moments later, 25th May 2021 के लिए कुछ लेवल्स हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, उनकी हम बात कर लेंगे। सबसे पहला हमारा है श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस। अब ये लेवल किस बेस पे निकाली है, चलिए आइए चार्ट में देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने चार्ट खोल दिया। अब देखिए आपको यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का लेवल और इसका जो प्रीवियस क्लोज है वो काफ़ी पास दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो मैं ये प्रिपेयर हो रहा हूँ वो मैं एक गैप के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर मेरा स्टॉक गैप ओपन होता है तो मुझे क्या पोजीशंस बनानी है उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। अगर ये स्टॉक गलती से गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं इसका लेवल चेंज करके आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला इसका बाइंग का लेवल बन रहा है, वो बन रहा है 1466 का। ये लेवल ब्रेकआउट होते ही आपको अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आपका शॉर्ट सेलिंग का लेवल है वो बन रहा है 1452 का। इसके हिसाब से अगर स्टॉक जो है अभी अगर प्री में हम देखें तो ये जो मार्केट है ये काफ़ी ऊपर यानी कि 59 पे अभी चल रहा है, 1459 पे आपका श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। तो इसके बाद अगर ये ओपन होता है तो 65 समथिंग अप्रॉक्स। अब अगर इसके ऊपर भी ओपन होता है तो आप उसे बाय कर सकते हैं, जब तक हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस नहीं अचीव हुआ आप उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टारगेट प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट जरूर कर दें। जैसे मान लीजिए ये ओपन हो गया 70 पे, अगर आपको दिख रहा है वो अच्छा खासा अप मूवमेंट दे रहा है तो आप उसे बाय कर सकते हैं, लेकिन टारगेट शिफ्ट वो जो अपना स्टॉप लॉस है उसे शिफ्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करने के बाद भी जो है डाउन आ जाता है तो ये निफ्टी को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। निफ्टी देखिएगा, अगर निफ्टी अपना मूवमेंट अच्छा दे रहा है तो आपका स्टॉक सपोर्ट करते हुए आपको अच्छा मूवमेंट देगा। बाय करके चलेंगे इसे हम 1466 के लेवल के ऊपर यानी कि 1467। मोस्ट प्रॉब्ली आप इसे इतने पे ही बाय करेंगे क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, तो 1466.50 पे आप इसे बाय नहीं करेंगे, 1467 पे आप बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 1472, 1482, 1495 का। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1454 का, मोस्ट प्रॉब्ली 1453 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान कर लीजिए। दूसरी चीज़, अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पर, जैसे आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो, स्टॉक गैप है ओपन हो जाता है और आप बाय करना चाहते हैं, आपको दिख रहा है कि ये अच्छा खासा अप मूवमेंट दे रहा है तो आप बाय कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होने से पहले, और अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दीजिएगा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, ताकि अगर स्टॉक जो है रिवर्सल देता है तो आपको कोई लॉस ना हो। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1452 का। इस लेवल को मैं चेंज भी कर दूंगा अगर स्टॉक जो है गैप डाउन ओपन होगा। पहली बात तो हम गैप अप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, गैप डाउन होता है तो उसके हिसाब से मैं स्टॉक के लेवल चेंज कर दूंगा। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1451 अप्रॉक्स, आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे। टारगेट रहेगा 1446, 1435, 1424। स्टॉप लॉस रहेगा 1464 का, मोस्ट प्रोबेबली 1465 पे आप इसे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ध्यान रखेंगे अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन, तो पहली चीज़ आप क्या सूटेबल चीज़ देखेंगे कि अपना गैप रिफिल हो जाए। गैप रिफिल कैसे होगा, 11 बजे के अंदर अंदर आपकी बाइंग प्राइस जो है और जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसके बीच में 2 से 5 मिनट का होल्ड ले लेगा स्टॉक। जब दोबारा लेवल ब्रेकआउट करेगा होल्ड लेने के बाद तभी आप उसे बाय करेंगे। गैप रिफिल के टाइम में जो है आपका लेवल ब्रेकआउट करेगा, यानी कि जैसे अगर 1417 पे आपका 1470 पे आपका स्टॉक खुला वो डाउन आ रहा है, 1466 से होके उसे डाउन आना पड़ेगा होल्ड लेने के लिए, तो 1466 पे वो हो सकता है अप एंड डाउन करे, उसमें आपका लेवल ब्रेकआउट हो, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है। जब तक वो होल्ड नहीं लेता है 1466 to 1452 के बीच में कहीं पे भी 2 से 5 मिनट का, तब तक आपको लेवल ब्रेकआउट को छोड़ना है, ये चीज़ गैप डाउन ओपन होने पे। ओके, अगला स्टॉक हमने आपके लिए पिक किया है वो है हमारा ट्यूब इन्वेस्ट। ट्यूब इन्वेस्ट में आपको अगर देखें तो हमारा जो बाइंग का लेवल बन रहा है वो बन रहा है 1190 का, और जो हमारा शॉर्ट सेलिंग का लेवल बन रहा है वो बन रहा है 1173 का। अब अगर इसमें देखें कैंडलस्टिक के उसमें जाएं तो आधे घंटे से जो ये लास्ट में जो मार्केट था वो गिरा है, सेलिंग का प्रेशर इस पर ज़्यादा है। कल मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि ये ऊपर खुलने के बाद भी ये डाउन आ जाए, कंडीशंस में बता रहा हूँ। अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो जाए तो इससे ऊपर ओपन होने के बाद भी आप बाय कर सकते हैं, क्या कंडीशंस अप्लाई रखेंगे वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अगर यहाँ से ऊपर बढ़ने लगता है तो अच्छा खासा, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब इसमें बायर्स आते हैं तो वो आपको एक अच्छा मूवमेंट देते हैं 15 से आधे घंटे के अंदर, तो उस बीच में आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। मेरे स्टॉप लॉस जो है ट्रायल करते रहने हैं, अगर मेरे स्टॉप लॉस से ऊपर कहीं पे भी आप बाय कर रहे हैं तो आप
अगर मेरे लेवल पे बाय नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप इसे बाय कर रहे हैं अपने हिसाब से कि स्टॉक जो है मैंने दिया था, बट ये जो मेरा लेवल छूट चुका है, बट आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें बायर्स 15 मिनट के लिए, 15 से आधे घंटे के लिए काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट देके जाते हैं, बट उसके बाद सेलर्स अपनी पोजिशन बनाने लगते हैं। सेलर्स अपनी पोजिशन बनाते हैं तो वो बहुत हल्के धीमे मार्केट में नीचे आते हैं, धीमे से करके नीचे आते हैं, एकदम से नीचे नहीं आते कभी भी। हो सकता है कल नीचे आ जाए, देखिए कुछ भी पॉसिबल है, बट ज़्यादातर जो देखा गया है इस स्टॉक में, सेलर्स अपने जो पोजिशन है वो हल्के हल्के करके बनाते हैं। पर लेवल तो मैंने आपको बता दिया 1190 का रहेगा, टारगेट रहेगा 1195, 1204, 1215, स्टॉप लॉस रहेगा 1177, अगेन स्टॉप लॉस शिफ्ट करते रहना है, फर्स्ट टारगेट प्राइस, सेकंड टारगेट प्राइस, देन थर्ड टारगेट प्राइस पे, और थर्ड टारगेट प्राइस पे बाद भी अगर ये बहुत अच्छा मूवमेंट दे देता है कल, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो अपना स्टॉप लॉस 10-10 या फिर 5-5 पॉइंट करके ट्रायल करते रहेंगे। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1174, यानी मोस्ट प्रॉब्ली आप 1173 पे इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे, टारगेट रहेगा 1168, 1160, 1150 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1186 का, मोस्ट प्रॉब्ली 87 पे आप लगा के चलेंगे। यहाँ पे लेवल 74 दिख रहा होगा, वहाँ पे 73, तो इस लेवल का ब्रेक होते ही आपको 73 का लेवल मिलेगा, तो 73 से आप शॉर्ट करना शुरू करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में दो स्टॉक्स का लेवल है वहीं अपलोड करूंगा, प्लस अगर इन लेवल्स में कुछ चेंजेस मुझे करने होंगे तो वो भी मैं वहीं अपलोड करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।